हेलो दोस्तों, आज हम आपको भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की पुत्री ईशा अंबानी के लाइफस्टाइल से जुड़ी कुछ बातें बताने जा रहे हैं। ईशा अंबानी का जन्म 1991 में हुआ था। उनके पिता मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं और उनकी माता नीता अंबानी रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर हैं। ईशा अंबानी ने साइकोलॉजी और साउथ एशियन स्टडीज से ग्रेजुएशन किया है। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन येल यूनिवर्सिटी से पूरा किया है। अक्टूबर 2014 में उन्हें रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल किया गया था। 2008 में फोर्ब्स द्वारा जारी की गई सूची में ईशा अंबानी दूसरे सबसे यंगेस्ट बिलेनियर के रूप में उभरी। उनकी नेटवर्थ 471 करोड़ रुपए थी। 2015 में उन्हें एशिया की सबसे पावरफुल अपकमिंग बिजनेस वुमेन के रूप में बताया गया। आपको बता दें कि ईशा अंबानी बिजनेस एनालिस्ट के रूप में मैक्सने एंड कंपनी में काम कर चुकी हैं। इसके बाद उन्हें रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल किया गया। 2015 में उन्होंने रिलायंस 4G को अपने भाई के साथ लॉन्च किया। यह बात तो हर इंसान जानता है कि अंबानी परिवार भारत का सबसे अमीर परिवार है और अंबानी परिवार में ईशा अंबानी इकलौती बेटी हैं। ईशा अंबानी के दो भाई भी हैं जिन्हें हर कोई जानता है। आकाश अंबानी रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल के डायरेक्टर हैं और अनंत अंबानी अपना अंडर ग्रेजुएट ब्राउन यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। ईशा अंबानी को खेल कूद का बहुत शौक है। वह अपने स्कूल की फुटबॉल टीम की कैप्टन भी रह चुकी हैं। उन्हें पियानो बजाने का भी काफी शौक है। ईशा अंबानी को अपनी मां नीता अंबानी की तरह फैशनेबल लाइफ जीने का बहुत शौक है और वह आए दिन फैशन ट्रेंड्स की वजह से सुर्खियों में भी रहती हैं। हम आशा करते हैं यह जानकारी आपको रोचक लगी होगी और आप इसे अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।